बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हमने मॉनेटरी पॉलिसी कर्व को डिस्कस किया कि उसका पॉजिटिव स्लोप होता है और पॉजिटिव स्लोप इसलिए होता है कि जितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जाए सेंट्रल बैंक रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जाता है इसलिए कि रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ने से फर्दर इन्वेस्टमेंट रुक जाए फर्दर कंजम्पशन में एक्सपेंशन रुक जाए एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए ताकि इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल किया जा सके ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है तो आई कर्व की तरह जब हमने ये कव भी बना लिया तो अगला स्टेप वही होगा जो आई कव के साथ किया था कि कव शिफ्ट कैसे होता है अब शिफ्ट के लिए पहले फिर क्लियर करें कि हमने ये कहां से डिराइव किया ये कव बनाया कहां से उसकी इक्वेशन पे हमेशा फोकस किया करें तो इक्वेशन जो है हमारे पास मॉनिटरी पॉलिसी कर्व के पीछे मॉनिटरी पॉलिसी रिएक्शन फंक्शन है जो कि आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई इन्फ्लेशन रेट है आर नॉट से मुराद है टोनोमस पार्ट ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट जो कि सेंट्रल बैंक का एक अपनी इंटेंशन के ऊपर या डिस्क्रिपन के ऊपर आप इसे कह सकते हैं या इस, ये वो पार्ट है सेंट्रल बैंक की पॉलिसी का जो इन्फ्लेशन रेट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बल्कि ये अदर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो सकता है जबकि जो दूसरा पार्ट है वो इन्फ्लेशन रेट के साथ कंसर्न है क्योंकि हमने एक पैरामीटर ए लिया उसको इन्फ्लेशन रेट से मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ ये शो करता है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के साथ रियल इंटरेस्ट रेट कितनी स्पीड से बढ़ेगा कितनी फोर्स से सेंट्रल बैंक रिएक्ट करेगा अब याद रखें कि जो कर्व ड्रॉ किया जाता है तो जो वेरिएबल कर्व के एक्सिस पे आ जाता है वो शिफ्ट फैक्टर नहीं हो सकता बल्कि उससे मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व होती है जैसे हमारा मॉनिटरी पॉलिसी कर्व है उसके एक साइड पे रियल इंटरेस्ट रेट है और दूसरी साइड पे इन्फ्लेशन रेट है इसका मतलब है इन्फ्लेशन रेट या रियल इंटरेस्ट रेट इनके चेंज होने की वजह से मूवमेंट अलोंग द कर्व हो सकता है या आप यूं समझें कि इन्फ्लेशन रेट की वजह से जो रियल इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है वो मूवमेंट अलोंग द कर्व को शो करेगा लेकिन अगर रियल इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज अटोनोमस कंपोनेंट की वजह से आ जाए जिसके पीछे मैंने आपको कहा सेंट्रल बैंक की कोई भी इंटेंशन हो सकती है जैसे सेंट्रल बैंक किसी वक्त में चाहता है कि रियल इंटरेस्ट रेट कम करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए बिजनेस एक्टिविटी को एक्सपेंड किया जाए या कोई और ऑब्जेक्टिव हो जाए एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करना मकसद हो यानी कि इन्फ्लेशन रेट के अलावा कभी भी सेंट्रल बैंक किसी और ऑब्जेक्टिव पे फोकस करे अगर तो उस केस में हम कहेंगे ऑटोनोमस पार्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है क्योंकि ऑटोनोमस पार्ट के अंदर इंटरेस्ट रेट नहीं है वो इंटरेस्ट रेट का जो ऑटोनोमस पार्ट है उसके अंदर इन्फ्लेशन रेट सॉरी इन्फ्लेशन रेट नहीं है तो इसका मतलब यह है कि जब ये यह कंपोनेंट चेंज होगा तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा अब उसकी शिफ्टिंग कैसे होती है वो डिपेंड करता है कि सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी टाइट की है या सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी को एक्सपेंशनरी या लूज किया है अगर सेंट्रल बैंक किसी वक्त ऑटोनोमस पार्ट ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट को कम कर दे तो हम कहते हैं ये एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी है जैसे उसका एक ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़े मार्केट में बिजनेस एक्टिविटी बढ़े एग्रीगेट डिमांड बढ़े और उससे आउटपुट बढ़े और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो शॉर्ट रन में मे कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव हो सकता है बाकी डिटेल में हम ऑब्जेक्टिव बाद में डिस्कस करेंगे तो इसको हम कहेंगे एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी जब क्या होता है ऑटोनोमस कंपोनेंट ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है इससे क्या होगा इससे होगा ये कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कर्व है वो राइट right साइड पे शिफ्ट हो जाएगा ठीक है जबकि दूसरे केस में अगर वो उसको आ, या आप उसको कहेंगे कि गिवन इन्फ्लेशन रेट के ऊपर चूंकि रियल इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो इसलिए राइट right साइड पे मॉनेटरी पॉलिसी कर्व शिफ्ट होगा और अगर कभी सेंट्रल बैंक अटोनोमस पार्ट ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट को यानी कि रियल इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करे इन्फ्लेशन से इनरिस्पेक्टिव यानी कि उसको देखे बगैर उसकी वजह से नहीं किसी और वजह से अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करे तो हम कहेंगे उसका पार्ट इंक्रीज हुआ है जिसका मतलब यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हो गई है हो हो गई है इस वजह से मार्केट एक्टिविटी कम हो जाएगी और गिवन इन्फ्लेशन रेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा इससे मॉनेटरी पॉलिसी कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है आईएस कर्व की तरह मॉनेटरी पॉलिसी कर्व भी राइट right साइड पे भी शिफ्ट हो सकता है और लेफ्ट साइड पे भी शिफ्ट हो सकता है राइट right साइड पे शिफ्टिंग उसकी एक्सपेंशनरी मोड की वजह से होगी लेफ्ट साइड पे उसकी शिफ्टिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी मोड की वजह से होगी थैंक यू